Hey beauties, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्लचर रिलेटेड हेयर स्टाइल्स. बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं जल्दी जल्दी में, और उनके पास होते हैं दो तीन क्लचर. तो उनको समझ में नहीं आता कि आखिर वो उन क्लचर से किस तरीके की हेयर स्टाइल करें जो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे, साथ के साथ वो अपने हेयर के साथ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर पाए. तो यहाँ पर मैं आपको क्लचर से रिलेटेड 4 हेयर स्टाइल्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप तुरंत कर लेंगे. और ये वो हेयर स्टाइल्स है जो आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए तो आप फटाक से कर सकें. तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आखिर इन हेयर स्टाइल्स को कैसे करना है. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. एंड यस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, पहले हेयर स्टाइल के लिए आपको आपके हेयर को अच्छी तरीके से डिटेंगल कर लेना है, और उसके बाद सारे हेयर को ले जाते हुए आपको इस तरीके से इसको ट्विस्ट करना है. ट्विस्ट आपको ऊपर की साइड ले जाते हुए करना है, जैसे यहाँ मैं कर रही हूँ. केवल हाफ हेयर को ही ट्विस्ट कीजिएगा. उसके बाद आपको चाहिए एक स्मॉल क्लचर. जो छोटे वाले क्लचर्स आते हैं आप यहाँ पर वो यूज़ करें, और उसके बाद आपने जितने हेयर को ट्विस्ट किया था उसे अच्छे से सिक्योर कर दें. सिक्योर करने के बाद जितने आपके बचे हुए हेयर हैं उसको उस क्लचर को कवर करते हुए आपको नीचे की साइड लेके आना है. उसके बाद कुछ क्लिप की हेल्प से आपको उसे भी सिक्योर कर देना है. यहाँ पे आपको मैक्सिमम 2 क्लिप्स यूज़ करनी होगी, और 2 क्लिप्स यूज़ करने के बाद आपका जो हेयर स्टाइल है वो तैयार हो जाता है. और आप देख सकते हैं कि ये हेयर स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है. आप ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं भी जाने के लिए इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं. और आगे से आपको कुछ फ्लिप्स निकाल लेने हैं, उसके बाद ये जो हेयर स्टाइल है वो कुछ इस तरीके की दिखती है. नेक्स्ट हेयर स्टाइल को बनाने के लिए आपको फिर से आपके हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लेना है, और उसके बाद हाफ हेयर को आपको यहाँ पे पॉनीटेल में कन्वर्ट करना है. यहाँ पे आपको केवल हाफ हेयर लेना है, जैसे आप हाफ बन बनाते हैं या हाफ चोटी बनाते हैं सेम उसी तरीके से, और इसको एक रबर बैंड की हेल्प से अच्छी तरीके से सिक्योर कर दें. बट जब आप इसे रबर बैंड से सिक्योर करते हैं ना तो ये काफ़ी लूज सा हो जाता है, मतलब इसमें कोई बाउंस नहीं होता है. तो यहाँ पर बाउंस क्रिएट करने के लिए आपको एक स्मॉल क्लचर, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा क्लचर है, मेरे पास स्मॉल क्लचर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, आप जितना स्मॉल क्लचर यूज़ करेंगे उतना अच्छा है. उसको इस तरीके से यहाँ पे रबर बैंड पे लगा दें, एंड देन आपका जो ये हेयर स्टाइल का लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम आता है, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है. आगे से आप देख सकते हैं कि इस हेयर स्टाइल का जो लुक है वो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. आपको आपके हेयर को अच्छे तरीके से डिटेंगल कर लेना है, और हाथों से उसको थोड़ा सा मैसी भी कर लीजिएगा. उसके बाद अपने हाफ हेयर को इस तरीके से ले जाते हुए यहाँ पे आपको बनाना क्लिप सिक्योर कर देना है. इस बनाना क्लिप को आप थोड़ा टाइटली सिक्योर कीजिएगा ताकि ये ओपन ना हो. और उसके बाद जो ये आपका थर्ड हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट है. ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप तुरंत कर पाते हैं. और जब आप बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हो मेरे अकॉर्डिंग, तब इस हेयर स्टाइल को करना सबसे बेस्ट रहता है. तो अब आ जाते हैं लास्ट हेयर स्टाइल पे. तो ये जो हेयर स्टाइल है वो स्पेशली फॉर ऑफिस गर्ल्स है. आपको आपके हेयर को अच्छी तरीके से डिटेंगल करते हुए उसे इस तरीके से ट्विस्ट करना है, और ट्विस्ट करने के बाद आपको सारे हेयर को अच्छी तरीके से अपने हाथों के ग्रिप में ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और फिर एक बड़े क्लचर की हेल्प से उन सारे हेयर्स को अच्छी तरीके से सिक्योर कर देना है. आप यहाँ देख लें कि बाकी जो हेयर्स है वो इधर उधर ना हो, एंड जो आपका ये हेयर स्टाइल है यहाँ कंप्लीट हो जाता है. ये हल्का हल्का सा फ्रेंच लुक देता है, और इसको भी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. और उसके बाद आगे से आप थोड़े से अपने फ्लिक्स निकाल लीजिएगा, एंड ये हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाती है. आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लचर रिलेटेड हेयर स्टाइल्स ज़रूर पसंद आई होगी. पसंद आई हो तो मुझे लाइक करके ज़रूर बताइएगा, एंड यस, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन, बाय बाय.